नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल, लेकर हाजिर हूं देश का सबसे विश्वसनीय शो वंदे मातरम। रूस कोल्ड वॉर का बदला अमेरिका से लेना चाहता है, अमेरिका चीन को कोरोना फैलाने की सजा देना चाहता है और चीन सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है। जाहिर है रूस, चीन और अमेरिका की ये अति महत्वाकांक्षा ही दुनिया में एक और जंग का सबब बनने जा रही है, लेकिन इस बार जंग बेहद भयानक होगी। बात परमाणु युद्ध से भी आगे निकल सकती है, क्योंकि सभी देश सीक्रेट तरीके से एक ऐसी आर्मी तैयार कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी करती है। आखिर क्यों दुनिया रोबोटिक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, इन वजहों को समझिए। पहले समझिए कि वजह नंबर एक क्या है। वजह नंबर एक, चीन में रोबो आर्मी का सीक्रेट तहखाना सामने आया, इसीलिए हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि ये पुख्ता सबूत मिले हैं। वजह नंबर दो दिखाइए। वजह नंबर दो, रूस के बर्फीले रोबो किलर का जंगी प्लान तैयार है। वजह नंबर तीन, अमेरिका पर अटैक करेगी चीन और रूस की रोबो आर्मी। वजह नंबर चार, अमेरिका गुपचुप रोबो आर्मी पर रिसर्च करा रहा है। और वजह नंबर पांच ये कि समंदर से आसमान तक रोबोट कमान संभालेंगे। इन सारी वजहों का बारीकी से करेंगे विश्लेषण, जिससे दुनिया की महाशक्तियों में मची बेचैनी पूरी तरह से आपके सामने आ सके और आप समझ सके कि आखिर क्यों होगा अब की बार रोबोटिक वर्ल्ड वॉर। अब समंदर में चीन की सीक्रेट आर्मी बम बरसाएगी। अब जिनपिंग की रोबो आर्मी अमेरिका पर मिसाइल छोड़ेगी। समंदर से आसमान तक जिनपिंग की रोबो आर्मी तैयार। पहली बार गुप्त तहखाने से बाहर आई ड्रैगन की आर्मी। लद्दाख से साउथ चाइना सी तक चीन ने बिछाया रोबोटिक जाल। अमेरिका के खिलाफ चीन ने रूस से हाथ मिलाया। पुतिन की रोबोटिक आर्मी भी जंग को तैयार। रूस ने बर्फ के नीचे तैयार किए रोबो किलर। अब अमेरिका पर अटैक करेगी रोबो आर्मी। जब अमेरिका करेगा जबरदस्त पलटवार। तो आपकी बार रोबोटिक वर्ल्ड वॉर।
दुनिया की ताकतवर मुल्क परमाणु बमों का जखीरा जमा करने के बाद अब रोबोट आर्मी को ताकतवर बना रहे हैं। चीन ने अपने सीक्रेट आर्मी का तहखाना तैयार किया है, जहां रोबोट टैंक से लेकर रोबोट टॉर्पीडो तक जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिका पर हमले के लिए चीन ने शार्क रोबोट तैयार किए हैं, जो समंदर में अमेरिका के बड़े बड़े जंगी बेड़ों को पल भर में तबाह कर सकता है। जिनपिंग की सीक्रेट आर्मी, बाइडेन की बर्बादी का चीनी तहखाना, जल्लाद जिनपिंग का फ्यूचर वॉरफेयर प्लान। दुनिया का सिकंदर बनने के लिए जिनपिंग पहले बर्बादी का बायो वॉरफेयर बनाया। और अब रोबोटिक वॉरफेयर बना रहा है चीन। बीते 2 सालों में जिनपिंग कई बार अपनी सेना को भविष्य में जंग के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। अब चीनी सेना फ्यूचर वॉरफेयर के साथ अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी में है। अमेरिका की दुनिया भर में जंग लड़ने की क्षमता को काउंटर करने के लिए जिनपिंग ने रोबो आर्मी का सीक्रेट तहखाना तैयार कर लिया है। जहां मॉडर्न वॉरफेयर में काम आने वाली एक से एक घातक रोबोट तैयार हैं।